हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रोनो एम्पेरोमीट्री पोलेरोग्राफी यूनिट थर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले भी मैं यूनिट थर्ड के कई सारे टॉपिक समझा चुकी हूँ, जैसे कि क्रोनो पोटेंशियोमीट्री, नॉर्मल पल्स पोलेरोग्राफी, डिफरेंशियल पल्स पोलेरोग्राफी, कॉलोमीट्री। अगर ये सब टॉपिक की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इन टॉपिक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको क्रोनो एम्पेरोमीट्री अब तक समझ में नहीं आया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चलाया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और क्रोनो एम्पेरोमीट्री की तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है हमारा क्रोनो एम्पेरोमीट्री। क्रोनो एम्पेरोमीट्री को हम कांस्टेंट पोटेंशियल वोल्टमीट्री के नाम से भी जानते हैं। यानी आपको क्या करना है, पूरी प्रोसेस के दौरान इसमें क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक टर्म हमें क्रोनो एम्पेरोमीट्री के बारे में समझ में आ गया कि हम इसमें क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। सो आपको पता है जनरली पोलेरोग्राफी में हम तीन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, करंट, पोटेंशियल और टाइम। अब जब यहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो प्लॉट है, यानी जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनेगा, करंट और टाइम के बीच में। सो क्रोनो एम्पेरोमीट्री आपको इतना समझ में आ गया कि इसमें क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें प्रोसेस के दौरान पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है, लेकिन कब कब हमें कांस्टेंट रखना है, तो उसके भी कुछ दो तीन वजह हैं कि कब हमें कांस्टेंट रखना है, तो पहले उन्हें देख लेते हैं। सो इट इज ए लार्ज एम्पलीट्यूड कंट्रोल पोटेंशियल टेक्निक। यानी आपको उस टाइम, यानी ये क्या है, एक लार्ज एम्पलीट्यूड कंट्रोल पोटेंशियल टेक्निक है, यानी लार्ज एम्पलीट्यूड, जहां करंट का लार्ज एम्पलीट्यूड होगा उस टाइम पर आपको पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देखिए, ये करंट है, यहां पर करंट काफी कम है, यहां पर करंट काफी हाई है, फिर करंट क्या हो गया, डाउन वार्ड कम हो गया। तो करंट हाई कहां है, इस वाले रीजन में। तो यही वो रीजन है जहां पर आपको पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। तो आपको क्या समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट के दौरान जहां पर करंट का जो पीक है वो हाई होगा, उस पीक पर हमें क्या है, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। पहली कंडीशन तो ये है कि पोटेंशियल को लार्ज एम्पलीट्यूड रीजन पर हमें कांस्टेंट रखना है। दूसरी जो इसकी वो है कंडीशन, वो है नॉन लीनियर रीजन में। लीनियर रीजन में हमें करंट पोटेंशियल को कांस्टेंट कभी नहीं रखना। सो ये वाला रीजन है करंट का और ये वाला रीजन है, ये कौन सा रीजन है, लीनियर। लेकिन हमें तो लीनियर में करंट को कांस्टेंट नहीं, सॉरी पोटेंशियल को कांस्टेंट नहीं रखना। सो ये रीजन कौन सा है, नॉन लीनियर। तो यहीं पर हमें पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना है। तो पोटेंशियल कहां पर कांस्टेंट होगा, जहां पर करंट का एम्पलीट्यूड हाई होगा, मतलब करंट हाई पीक पर होगा। और दूसरा क्या है, नॉन लीनियर में होना चाहिए करंट। तो थोड़ा सा अब आपको क्रोनो एम्पेरोमीट्री की डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो ये ग्राफ क्या है, पोटेंशियल टाइम का ग्राफ है और जो आपको प्लॉट मिल रहा है वो किसका है, करंट का प्लॉट मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको तीन पोटेंशियल समझ में आ रहे हैं, E1, E2 और E3। यानी E1 वो वाला पोटेंशियल है जब आपने रिडॉक्स प्रोसेस कराना स्टार्ट हुआ कर दिया है, लेकिन कोई भी करंट फ्लो होना स्टार्ट नहीं हुआ है। E2 पर क्या हुआ है, करंट पीक पर है। तो करंट पीक पर है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपको पोटेंशियल क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो E2 क्या है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इतने टाइम तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा और देन ये E3 वाली सिचुएशन है, मतलब जहाँ पर करंट स्टार्टिंग से भी डाउन में, मतलब करंट फ्लो होना बिल्कुल कम हो गया है। सो मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाती हूँ कि क्रोनो एम्पेरोमीट्री का यूज़ कहाँ है, भाई हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जनरली बंदे को जब तक प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा तो थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। सो मैं आपको समझाती हूँ। आपने क्या किया, एक सेटअप तैयार कर लिया, मतलब कैथोड, एनोड, बैटरी लगा दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उस सेल में आपने सैंपल भर दिया। सो जैसे ही आप सेल में सैंपल भरोगे तो जो सैंपल आपने फिल किया है, ध्यान रखना है वो सैंपल पहले से ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। तो जैसे ही ऑक्सीडाइज फॉर्म में आपने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट की, उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस फॉर्म में। तो आपको याद रखना है प्रोसेस के दौरान, पहली बात आपको पोटेंशियल को कंट्रोल करके रखना है, मतलब कांस्टेंट रखना है। तो क्या होगा, करंट वेरी करेगा धीरे धीरे, टाइम के साथ करंट बढ़ेगा घटेगा, तो उसी का आपको प्लॉट बनाना है।
करंट और टाइम का प्लॉट बनाना है, और उस जो प्लॉट होता है हर कंपाउंड का अलग होता है, तो वहाँ से आप पहचान लोगे। जैसे आपको कोई भी प्लॉट उतर कर आएगा सैंपल के थ्रू, तो आपको पहले से जो चार्ट दे रखा है उसमें से मैच कर लेना है कि भाई ये तो इसका प्लॉट है, तो आप वहाँ से पहचान लोगों की जिस भी सैंपल का हम टेस्ट कर रहे हैं सैंपल में कौन प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है, कैडमियम है, निकल है, तो वहाँ से आप पहचान सकते हो। आई होप आपको क्रोनो एम्पेरामीट्री प्रैक्टिकली समझ में आ गई। तो मेनली क्या है, E2 पर जो ये वाला पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो ऑक्सीडेशन फॉर्म में हम कंपाउंड ले रहे थे वो कंपाउंड ऑक्सीडेशन फॉर्म से टोटली रिड्यूस होकर रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस होगी, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज फॉर्म थी, जो कंपाउंड की ऑक्सीडाइज फॉर्म थी, उसका डिफ्यूजन होगा, वो डिफ्यूज होकर इलेक्ट्रोड की तरफ पहुंच जाएगा। अब इस दौरान आपने कहाँ पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, कहाँ नहीं रखा, तो उस टाइम में जो करंट और टाइम है उसका आपको प्लॉट रेडी करना है। जनरली क्या है, हमें समझ में आ गया था इतना कि हमें पोटेंशियल को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, लेकिन एक ऐसे मूवमेंट के लिए, मतलब एक इंस्टेंट के लिए ऐसा हुआ कि पोटेंशियल डिस्प्लेस हो गया, मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहा, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, इन्फिनिट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बहुत स्पीड के साथ क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। यानी हमें पोटेंशियल को क्या रखना है, कांस्टेंट। अगर हमने पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रखा तो इन्फिनिटी रेट से करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। क्यों फ्लो होता है, क्योंकि वहां पर डबल लेयर कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। अगर आप डबल लेयर कैपेसिटेंस के बारे में नहीं जानते तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं, अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा लोगों की डिमांड है, लोगों को नहीं पता डबल लेयर कैपेसिटेंस क्या है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए। सो मीन क्या है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट, अगर एक इंस्टेंट के लिए भी आप पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं कर पाते हो तो इन्फिनिट अमाउंट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि वहां पर डबल लेयर बन जाती है। अब उसके बाद क्या होगा, डबल लेयर बन जाएगी, डबल लेयर चार्ज हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, तो उसके बाद पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ी देर के लिए स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सरफेस पर बन चुका होता है। सो चलिए ग्राफ के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। सो देखिए ये क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल जनरली क्या था, कांस्टेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है पोटेंशियल E1 तक। देन क्या हुआ, एक ऐसा इंस्टेंट हुआ आप पोटेंशियल को कांस्टेंट नहीं कर पाए। सो पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं हुआ तो करंट क्या होगा, बहुत स्पीड से बढ़ेगा, तो आपको दिख रहा है बहुत स्पीड से बढ़ा है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, तो आपने देखा करंट धीरे 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 कम होने लगा। देन क्या होगा, करंट नेगेटिव में, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू काफ़ी नेगेटिव में चली जाती है और करंट भी डाउनवर्ड आ जाता है। सो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, यहाँ पर पोटेंशियल मेंटेन है, करंट भी मेंटेन है, पोटेंशियल मेंटेन नहीं हो पाया तो करंट क्या है, बहुत स्पीड से इंक्रीज हुआ है। देन क्या है, पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए स्टेबल होगा, फिर करंट धीरे धीरे नेगेटिव, धीरे धीरे डिक्रीज होगा और नेगेटिव में उसकी वैल्यू चली जाएगी। सो ये जो ग्राफ है इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनो एम्पेरोग्राफ बोलते हैं। जैसे पोलेरोग्राफ होता था ना, पोलेरोग्राफी का हम जहां पर भी ग्राफ बनाते थे उसे क्या बोलते थे, हम पोलेरोग्राफ। तो यहां पर हम एम्पेरोमीट्री का ग्राफ बना रहे हैं, क्रोनो एम्पेरोमीट्री का ग्राफ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोनो एम्पेरोग्राफ। तो ये ग्राफ किसके बीच में बनता है, करंट वर्सेस टाइम के बीच में। सो आपको मैंने बताया था कि आपको पोटेंशियल को मेंटेन कहाँ रखना है, जब करंट का पीक हाई हो, तो हमें क्या है, जो E2 और पीक हाई, मतलब मैंने E2 से रिप्रेजेंट किया था उस पोटेंशियल को, तो उस पोटेंशियल को जो आपको मेंटेन करके रखना है वो तब तक मेंटेन करके रखना है जब तक आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, जैसा कि आपने अभी अभी ग्राफ में देखा था। और बाद में जब हम E3 पर आएंगे तो मतलब क्या है, वहाँ पर पोटेंशियल फिर से वेरी करेगा, और जो पोटेंशियल वेरी करेगा वो कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के लिए होगा, 10 μs या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अब E3 की वैल्यू मैंने अभी आपको दिखाया कि E3 पर आकर पोटेंशियल किस में हो जाता था, नेगेटिव में। अगर E3 की वैल्यू नेगेटिव में ना होकर पॉजिटिव में चली जाती तो जनरली कंपाउंड पहले कौन सी फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन फॉर्म में था, एक्सपेरिमेंट होने के बाद वो रिडक्शन फॉर्म में आ गया। अगर हम E3 की वैल्यू पॉजिटिव में कर देते हैं तो वो रिडक्शन फॉर्म फिर से ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर है रिलेशन दे रखा है करंट और इंस्टेंट रेट ऑफ रिडक्शन का,
तो वो क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इंस्टेंट रेट ऑफ रिडक्शन मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कितना कन्वर्ट हुआ है, तो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल